हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे परसेंट मतलब प्रतिशत के प्रश्नों की बात करेंगे। और इस वीडियो में मैं आपको बेसिक बताऊंगा, जिन लोगों ने नया नया बैच स्टार्ट किया है और नई नई तैयारी करने लगे हैं, जिन्होंने पहली बार रेलवे का फॉर्म डाला है या एनटीपीसी का फॉर्म फिल किया है और वो तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि नया नया उन्होंने कोचिंग स्टार्ट किया है, उनको बेसिक नहीं पता होगा, तो वो लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लीजिए, पता चल जाएगा यदि किसी संख्या का हमें परसेंटेज निकालना है तो कैसे निकालते हैं। कोई भी मूलधन हो, कोई भी संख्या हो, उसका कितना भी प्रतिशत पूछ लिया जाए, आप उसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस वीडियो को देखने के बाद वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दे रखा 200 का 50% कितना है, ये आपसे पूछा गया है कि 200 का 50% क्या है। और देखिए यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, जिसका 50% निकालना है उस संख्या में 2 से भाग दे दो। तो सबसे पहले ये देखेंगे, उसके बाद में हम इसको देखेंगे। तो आपसे पूछा गया 200 का 50%, तो आपको 200 लिखना है, सिंपल लिख लिया। बाद में क्या है, 50% पूछा गया तो 50 लिख लेंगे, सिंपल। देखिए जितना दिया गया है उतना लिख लीजिए, जितना प्रतिशत दिया गया है उतना मल्टीप्लाई में लिख लीजिए, नीचे कर दीजिए 100 से डिवाइड। ठीक है दोस्तों, अब देखिए एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा, एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा, तो बचे कितना, 2 का मल्टीप्लाई कितने करें, 50 से करेंगे, तो 2 50 का मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना, 100। यही क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा, समझ में आ गया होगा। देखिए कितना भी पूछ लिया जाए, 100 का 50%, 200 का 50%, 1000 का, 500 का, 600 का, कितना भी पूछ लिया जाए, जितने का पूछा गया उसे लिख लेना है, जितना प्रतिशत पूछा गया उसे मल्टीप्लाई में लिख लेना है, 100 से कर देना है, आपको डिवाइड हमेशा ऐसा ही करना है और आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको एक लाइन है, जिसका 50% निकालना है उस संख्या में 2 से भाग दे दो। ठीक है दोस्तों, तो देखिए किसका 50% निकालना है, 200 का निकालना है। ये लाइन क्या कह रही है, जिसका 50% निकालना है उस संख्या में 2 से भाग दे दो। तो 50% कितना निकालना है, 200 का निकालना है, 200 का ही तो निकालना है 50%, तो इसमें हमें क्या करना है, 2 से भाग देना है। तो देखिए 2 से जब इसे भाग दे देंगे हो जाएगा 2 एक कम 2 हो जाएगा और 2 जीरो, तो कितना निकल के आ गया, 100 आ गया। तो देखिए ये ऐसे जब आपने सॉल्व किया तब भी आपका आंसर 2 आया है और डायरेक्टली आपने आंसर तब भी आपका 100 आया है। ये आपका फॉर्मूला वाली ट्रिक है, ये आपकी डायरेक्ट ट्रिक है। देखिए आपने क्या किया है, 200 का 50%, ये ट्रिक सिर्फ 50% निकालने के लिए है, 2 से डिवाइड करने के लिए दोस्तों, सिर्फ 50% निकालने के लिए ट्रिक है। किसी भी संख्या का आपसे 50% पूछ जाए तो उस संख्या को लिख लीजिए, 2 से कर दीजिए डिवाइड, आपका आंसर आ जाएगा, मतलब 50% आपका निकल के आ जाएगा। जितने का भी 50% पूछा जाए उसका आधा कर दीजिए, वही उसका 50% होता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आगे, देखिए अगला क्वेश्चन है, 800 का 25% क्या है, और इसमें भी नीचे एक लाइन लिखी हुई है, जिसका भी 25% निकालना है उसमें 4 से भाग दे दो। ठीक है दोस्तों, तो देखिए पहले फॉर्मूला ट्रिक देख लेते हैं। जैसे पहले क्या था, 800 का 25% निकालना है तो क्या करेंगे, 800 लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, मल्टीप्लाई में जितना प्रतिशत निकालना है उतना लिखेंगे और डिवाइड कर देंगे आप 100 से। देखिए कितना भी आपसे पूछ लिया जाए, कितनी भी संख्या को, उस संख्या को लिख लेंगे, कितना भी प्रतिशत पूछ लिया जाए उस प्रतिशत को लिख लेंगे, 100 से डिवाइड कर देना है। अब देखिए यहाँ पर 2 जीरो से ये 2 जीरो चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, 8 का मल्टीप्लाई आप 25 से कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, देखिए 8 पंजे 40 का 0, कैरी का 4 हो गया, 8 दुना 16 और 4 कितना हो गया, 20 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका 200 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इस लाइन को, जिसका भी 25% निकालना है उसमें 4 से भाग देना है, तो 25% किसका निकालना है, 800 का, तो 800 लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या करना है, 4 से भाग दे देना है, तो 4 से भाग दे देंगे, इसमें ये हो जाएगा 4 दूना 8 और ये 2 जीरो, तो ये कितना हो गया, 200 हो गया, यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ऐसे कर लीजिए तब भी आपका आंसर सेम आ रहा है, ऐसे कर लीजिए डायरेक्ट तब भी आपका आंसर सेम आ रहा है। तो ये मैंने आपको बताया 50% और 25% के लिए आपको ऐसा करना है, जब आपको 50% दिया गया हो तो 2 से डिवाइड कर लीजिए, 25% दिया गया हो तो 4 से डिवाइड कर लीजिए। यदि आप इसको भूल जाते हैं तो आप इसको याद रखिए, जितनी संख्या दे रखी है उस संख्या को लिख लीजिए, मल्टीप्लाई में जितना प्रतिशत दिया गया है निकालने के लिए उतना प्रतिशत लिख लीजिए, डिवाइड कर दीजिए आप 100 से, काट कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब देखेंगे आगे, आगे देखेंगे दोस्तों परसेंटेज कम या ज़्यादा। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ, 800 का 25% कम कितना है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए सिंपल से आप वही ट्रिक कीजिए जो हमने पहले किया था, और इसमें बस एक बात ध्यान रखनी है, जब कम पूछा जाए या ज़्यादा पूछा जाए। तो देखेंगे आप यहाँ पर एक कम वाला क्वेश्चन ले रखा है
और एक ज़्यादा वाला मतलब अधिक वाला क्वेश्चन ले रखा है। ठीक है दोस्तों, दोनों हम यहीं पे आपको समझा देंगे। आपको क्या कितना दिया गया है, 800 दिया गया है, तो आप इस 800 को लिख लीजिए। लिख लिया, ठीक है। अब देखिए मल्टीप्लाई कितने से करना है, आपसे पूछा गया 800 का 25% कम है तो आपको करना क्या होगा। हम हमेशा क्या लेते हैं दोस्तों, 100 लेते हैं। मैं इधर बता देता हूँ, 100 लेते हैं। आपको क्या मानना है, हमेशा 100 मानना है। तो देखिए पूछा गया 25% कम है, तो 100 में से आपको क्या करना है, 25 कम कर देना है, तो कितना बचेगा, 75 बचेगा। ठीक है दोस्तों, 75 बचेगा, और वही करना है 100 से डिवाइड कर देना है हमेशा। तो दो जीरो से आप दो जीरो को काट दीजिए, 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, 8 × 5 = 40 का 0, कैरी का 4, 8 × 7 = 56, 56 और 4 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। मतलब कितना निकल गया आपका आंसर, 600 निकल के आया है। ठीक है दोस्तों, यदि कम पूछा गया, जितना प्रतिशत कम दिया गया है उतना ही 100 में से आप कम कर दीजिए, और जितना अधिक पूछा जाएगा उतना ही आप 100 में प्लस कर देंगे। तो ये अधिक वाला भी देख लेते हैं, 1200 से 20% अधिक है, तो आप कितना लिखेंगे, 1200 लिखेंगे, जो दिया गया वो लिखना है। मल्टीप्लाई में देखिए अधिक दिया गया है तो 100 में उतना ही प्लस कर देंगे। ठीक है दोस्तों, 100 में उतना ही क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, और 100 से क्या कर देना है, आपको डिवाइड कर देना है। ठीक है दोस्तों, जब कम पूछा जाएगा प्रतिशत तो 100 में से उतना ही प्रतिशत कम करके लिखेंगे, तो 100 में से 25% कम कर देंगे तो 75 हो जाएगा। अधिक के लिए क्या करेंगे, 100 में उतना ही अधिक कर देंगे, मतलब प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे, और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 12 का 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 का स्क्वायर होता है 144, और एक ये जीरो आ जाएगा, तो 1440 क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपकी समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से समझा देता हूँ, जब आपसे कम पूछा जाए उस संख्या को लिख लीजिए पहले, और जब कम पूछा गया तो 100 में से उतना कम कर दीजिए, कितना बचेगा, 75। तो मान लीजिए 20 कम पूछा जाता तो 80 बचता, 10 कम पूछा जाता तो 90 बचता। ठीक है दोस्तों, अब ज़्यादा के लिए क्या करना है, 10 ज़्यादा पूछा जाए तो 110, 20 ज़्यादा तो 130, 25 ज़्यादा तो 125, और उस तरह से आपको सॉल्व कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये भी दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, आप देखेंगे आगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, 1200 का 25% कितना है। मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इस टाइप का मैं क्वेश्चन बता चुका हूं सबसे पहले, यही क्वेश्चन मैंने आपको बताया था इसी टाइप का, और देखिए ये अलग क्वेश्चन है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन से आपको इस क्वेश्चन को समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इस क्वेश्चन का समझना बहुत ज़रूरी है। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, 1200 का 25% कितना है, तो 1200 का 1200 लिख लेंगे, जो पूछा गया वो लिख लेंगे। देखिए 25% पूछा गया तो 25 लिख लेंगे, जितना प्रतिशत पूछा गया उतना लिख लेंगे, और 100 से डिवाइड कर देंगे, दो जीरो से दो जीरो चला जाएगा। 12 का मल्टीप्लाई करेंगे 25 में, कितना हो जाएगा, 12 × 5 = 60 का 0 हो जाएगा, कैरी का 6 हो जाएगा, 12 × 2 = 24, 24 × 6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30। तो आपका आंसर कितना निकल के आया है, 300। ठीक है दोस्तों, आपका आंसर कितना निकल के आया है, 300 आपका आंसर निकल के आया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ तो पूछा गया था 1200 का 25% कितना है, यहाँ पूछा गया 1200 किस संख्या का 25% है, तो यहाँ पर हमने वो संख्या निकालनी है जिसका 25% 1200 है। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई, 1200 किस संख्या का 25%, तो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग हो गया, और ये क्वेश्चन बहुत अलग हो गया है, और जो स्टूडेंट पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं या पहली बार इस टाइप का क्वेश्चन देख रहे हैं, वो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, 1200 का 25% कितना है ये आपने निकाल लिया है। अब देखिए इसका निकालेंगे, तो इसको क्या करना है, देखिए आपको 1200 दिया गया है तो आप 1200 लिख लीजिए, 1200 लिख लिया। मल्टीप्लाई में आपको देखिए क्या करना होगा, यहीं पर समझने वाली बात है, आपको मल्टीप्लाई में क्या करना होगा, देखिए 25% है तो हम जितना परसेंट पूछा जाता है उतना परसेंट लिख के नीचे 100 से डिवाइड कर देते हैं, लेकिन इसमें हमें क्या करना होगा, जितना प्रतिशत पूछा गया उसे नीचे लिखेंगे और नीचे वाले 100 को ऊपर लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 100/25 पूछा गया तो 25। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। जब भी आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 1200 किस संख्या का 25% है, या फिर 800 किस संख्या का 20% है, या 900 किस संख्या का 20% है, तो आपको क्या करना होगा, ऊपर 100 नीचे जितनी परसेंट पूछा गया है वो आपको ले लेना है, जब आपकी वो संख्या निकल के आएगी जितने का 25% या 20% या 30% दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 25 से काट दीजिए, 4 बारी कट जाएगा, 12 का 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 चौक होता है 48, और ये दो जीरो आ जाएगा, तो 4800, मतलब 4800 क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा। तो 4800 का 25% 1200 है, ये आपका आंसर हो गया, समझ लीजिए फिर से दोस्तों। देखिए 1200 का 25% कितना है, ये तो आपने समझ में आ गया। इसे देखिए दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया था, 1200 लिख लिया और 25% पूछा जाए तो 4 से डिवाइड कर देना है, 50% पूछा जाए तो 2 से, तो इस आप इसे 4 से डिवाइड कर दे तो 4 3 कितना हो जाएगा, ये
12 हो जाएगा और दो जीरो जा जाएंगे तो 300 आंसर हो गया। तो चाहे ऐसे कर लीजिए चाहे ऐसे कर लीजिए, आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, अब देखिए बात इस क्वेश्चन की है, 1200 की संख्या का 25% है तो 4800 का 25% है 1200, आपको ये 1200 लिख लेना। बस इतना सा करना है, जो प्रतिशत पूछा गया उसे नीचे लिखना है और नीचे वाला 100 आपको ऊपर कर लेना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। दोस्तों धन्यवाद।